मैं दीपावली की आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपके पूरे परिवार को सुख समृद्धि वैभव आरोग्य आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। वास्तव में जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या जी वापस आए थे, तब अयोध्या वासियों ने इस परंपरा को शुरू किया था। हर घर में दीपक जले थे, पटाखे फूटे थे और पलक पावड़े बिछा के भगवान राम का 14 वर्ष के वनवास के बाद उनके अयोध्या में वापस आने पर उन्होंने दीपावली मनाई थी। और तब से हम सब पूरे देश में दीपावली मनाने का इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। हमें सनातन धर्म की याद दिलाता है ये दीपावली पर, भगवान राम के वनवास को याद दिलाता है ये दीपावली पर, भगवान राम के अन्याय के प्रति न्याय की जीत की जो पूरी यात्रा रही है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो भगवान राम की का व्यक्तित्व देश और दुनिया के सामने स्थापित हुआ, वो सारा चित्र जो है वो हम सबको याद दिलाता है। और इसलिए दीपावली पर्व को हम सब उल्लास के साथ मनाते हैं। बच्चे हों, महिलाएं हों, युवा हों, वृद्ध हों, सारे लोग इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं पूरे उल्लास के साथ। और एक भाईचारे की भावना भी हमारे समाज में इस पर्व के दौरान स्थापित होती है, मजबूत होती है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। वास्तव में विभिन्न भाषा विभिन्न धर्म के रहने वाले लोग एक और जहाँ अनेकता में एकता का संदेश देते हैं जब हम तमाम त्यौहार और पर्वों को मनाते हैं। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि धर्म और अध्यात्म हमें सभी को एक दूसरे से जोड़ता है। हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को हमें एक दूसरे से जोड़ने का मौका देता है। इसलिए जो सबसे बड़ी ताकत है हमारी, उस ताकत को हम और ज़्यादा मजबूत बनाएं, उसका संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें, ताकि सनातन मजबूत हो। और जब सनातन मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और इसलिए मैं इस दीपावली के पर्व पर आप सब को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग इसी तरह हर त्यौहार को पूरे उल्लास के साथ मनाएंगे, जिससे कि हमारे देश की एकता और अखंडता और मजबूत हो सके। जय श्री राम।